नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी की सियासत में मैनपुरी विधानसभा सीट को काफी अहम माना जाता है। यहां तीसरे फेज में 20 फरवरी को वोटिंग होगी। चुनावी रण में यहां सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना पूरा दम लगाया हुआ है। अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में दलों के बड़े नेता भी जनता से वोट की अपील करने में लगे हैं। इस बार यहां बीजेपी के जयवीर सिंह, सपा के राजकुमार यादव, बीएसपी के गौरव नंद और कांग्रेस की विनीता शाक्य के बीच मुकाबला है। यहां किसी भी दल का वर्चस्व बरकरार नहीं रहा, चुनावों के मुकाबले रोचक और कड़े होते रहे हैं। इस सीट के मिजाज का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि यहां चार चार बार बीजेपी और कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि सपा ने तीन बार विजय पताका फहराई है। यहां साल 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रघुवीर सिंह यादव, 1989 में जनता दल के इंदल सिंह चौहान, 1991 और 1993 में बीजेपी के नरेंद्र सिंह राठौर विधायक चुने गए थे। 1996 में ये सीट सपा के खाते में चली गई और सपा के मानिक चंद्र यादव विधायक चुने गए थे। इस सीट से साल 2002 और 2007 में बीजेपी के अशोक चौहान विधायक चुने गए, लेकिन 2012 में यहां सपा की साइकिल दौड़ती नजर आई। सपा की राजकुमार यादव ने बीएसपी की उम्मीदवार रमा शाक्य को शिकस्त दी थी। साल 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो यहां सपा ने जीत का परचम लहराया था। समाजवादी पार्टी के राजकुमार यादव ने बीजेपी के अशोक कुमार को 8,831 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। राजकुमार यादव ने 75,787 वोट हासिल किए थे, जबकि अशोक कुमार को 66,956 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी के महाराज सिंह रहे थे, उनको 48,314 वोट मिले थे। साल 2017 में कुल वोट प्रतिशत 38.51 रहा। इस सीट पर जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां करीब 3,25,000 वोटर हैं। इनमें से करीब 21% यादव, 15% शाक्य, 11% ठाकुर, 8% ब्राह्मण, 8% लोधी, 15% एससी और 6% मुस्लिम वोटर हैं। यहां से विधायक और सपा के उम्मीदवार राजकुमार यादव का कहना है कि अपने 5 साल के कार्यकाल में जमकर विकास के काम कराए गए, ऐसे में मैनपुरी की जनता इलाके में विकास के लिए एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को मौका देगी। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी उनके इन दावों को खोखला बताते हुए अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। मैनपुरी में सियासी ताज पर अपना अपना कब्जा करने के लिए उम्मीदवार और उनकी पार्टियां विकास को लेकर कई तरह के दावे कर रही हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए मैनपुरी में विकास की गंगा बहाने की बातें की जा रही हैं। चुनावी समर में डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही डिजिटल मोड में भी मतदाताओं तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश की जा रही है। यहां के सियासी रण में कौन जीतकर जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, किसे जनता घर बैठाएगी, ये सब 10 मार्च को नतीजों वाले दिन सबके सामने होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।